ये आलू पराठा, हमें लगा रोटी होगा लेकिन है आलू। गिर जाओगे। ओए चोट लगेगा। नहीं लगा। आहा। मुर्गा बन रहे हो। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02264 पुणे दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि वीक में दो दिन मंडे और थर्सडे को निजामुद्दीन से पुणे के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन निजामुद्दीन से सुबह 6:16 में निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 2:10 में पुणे पहुँचाती है। तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 1515 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं, वो भी 20 घंटा में। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अपनी गाड़ी पुणे दुरंतो लगी हुई है और आज अपनी कोच है B7, सीट है 56 साइड अपर। सो गाइस, ये अपनी बर्थ 56 साइड अपर। पानी है क्या? दो दिन और ये लस्सी कितने का है? 25 रुपये। 25 का है, एक दे दो। पाँच रुपये और देना है ना, 50 दिन। पहले गाय जिस ट्रेन का टाइम ना सही था, पहले था वही 10:55, मतलब लगभग 11 बजे पुणे दुरंतो यहाँ से निकलती थी और आपको सुबह 7 बजे के लगभग पुणे पहुंचा देती थी, लेकिन ट्रेन का टाइम चेंज हो जाने के कारण काफ़ी लोग, मतलब देख रहे हैं सीट लगभग कुछ खाली है। अगर टाइम इसका सही रहता ना तो सही रहता, टाइम इसका चेंज हो गया है। सुबह सुबह यार ट्रेन पकड़ना ना, मतलब मत पूछो यार, रात भर नींद नहीं आती है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अभी आई है केवड़िया निजामुद्दीन ट्रेन, हाल ही फिलहाल में इसे ओपन किया गया है। जी, तो अपनी ट्रेन निजामुद्दीन से बिल्कुल टाइम से निकल चुकी है। कितने का? 15 बाग बकरी, बाग बकरी ठीक। मैगी कितने का दे रहे हैं? 60। आज से ठीक 1 साल पहले इसी ट्रेन में जर्नी किए थे पुणे दुरंतो में और उस वक्त भी ट्रेन को जिस तरह मेंटेन किया गया था और अभी भी, मतलब काबिले तारीफ़ है। वाशरूम का कंडीशन हो या कोच का कंडीशन हो, बिल्कुल चकाचक पहले की तरह ही। अभी कुछ देर पहले रेलवे के स्टाफ से बात हो रहा था, हुआ क्या है आज ट्रेन जो है ना, पहली बार ट्रेन का टाइम चेंज हुआ है, तो पहली बार ये ट्रेन आज सुबह में जा रही है, 6:16 में आज निकली है निजामुद्दीन से। तो ये ट्रेन जाती थी 10:55 में। बहुत लोगों को इसका जानकारी नहीं था कि ट्रेन सुबह में जाने वाली है, सब ये सोच बैठे हुए थे कि ट्रेन वही 10:55 में निकलेगी। मैसेज गया है प्रॉपर, सबके फ़ोन पर मैसेज भी गया है, लेकिन अब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो एक बार टिकट बुक कर लिए। जब मेरा टिकट बुक हुआ था उस वक्त भी मतलब दिखा रहा था कि 10:55 में यहाँ से ट्रेन निकलेगी, लेकिन दोबारा कोई चेक नहीं करते हैं, मैसेज इग्नोर कर देते हैं, तो वो लोग छूट गए हैं। लगभग बता रहे थे रेलवे के स्टाफ, लगभग 100 पैसेंजर आज ट्रेन में बोर्ड नहीं कर पाए हैं।
ट्रेन का टाइम चेंज होने के कारण। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि जब भी अगर आपका ट्रेन हो ना जिस दिन, उससे एक दिन पहले आप ज़रूर चेक करें या 12 घंटा पहले आप ज़रूर चेक करें, स्टेटस देख लें कि कहीं ट्रेन का टाइम तो चेंज नहीं हुआ। सुबह ट्रेन होती है ना तब कोच का क्या कंडीशन होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सभी लोग लगभग सोए पड़े हैं, भाई नींद तो हमें भी आ रही है, लेकिन अब क्या करें, सवेरे उठना पड़ता है। 6:16 की ट्रेन थी, मैं 4 बजे उठा हूँ। इसी तरह सभी लोग उठे होंगे, इस वजह से अभी सब के सब सोए हुए हैं। जी तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कोटा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KOTA, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर। कोटा जो है ना ये पड़ता है राजस्थान में, और ये जो ना हब है किस चीज़ का हब है आपको पता है ना, IIT कोचिंग क्लासेस का हब है, मेडिकल क्लासेस का यहाँ हब है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मतलब इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन होता है। और एक बात मैं बता दूं इस स्टेशन के बारे में, यहाँ 6 प्लेटफॉर्म हैं और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 184 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ 112 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब देखते हैं, अब तक तो कुछ नहीं किया ब्रेकफास्ट, अंदर तो वही पैक फूड मिल रहा है हल्दीराम का। वैसे कोटा का फेमस क्या है पता है आपको, कचौड़ी। देखते हैं अगर मिल जाए तो दिन बन जाएगा। कचौड़ी दीजिएगा, कैसे है? 10 का 1 दो कचौड़ी दीजिए। कचौड़ी के साथ क्या मिलेगा? चटनी दीजिए। एक स्प्राइट दे दो जरा, ठंडा स्प्राइट और एक लिमका भी हो तो। आलू बड़ा मिलता है, लिमका भी है दीजिए। छोला चावल है सर, चटनी डालूं सर आपको? हाँ चटनी चाहिए ना। कौन सा चटनी है, मीठा खट्टा? मीठा खट्टा दोनों है। दोनों दीजिएगा, दोनों दीजिए, दोनों खट्टा वाला दीजिए। चलिए कितना हुआ, 20? चलिए ये क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? यहाँ कचौड़ी फेमस है ना कोटा का। जल्दी यहाँ पे अपने दो भाई मिले, ये नासिक से, क्या नाम हुआ भाई तुम्हारा? और ये बिहार के दरभंगा से, दिलीप कुमार चौपाल जी। 10 मिनट तक इन लोगों से बात किए हैं, दोनों रेलवे में ही हैं और ट्रेन अपनी बिल्कुल टाइम से निकल चुकी है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। बहुत बढ़िया। अगर मैं कचौड़ी की बात करूँ ना तो काफी खस्ता है कचौड़ी और बहुत ही बढ़िया है, चटनी भी लाजवाब। खट्टा वाला चटनी ट्राई करें, मीठा वाला नहीं किए, मीठा वाला करते तो बताते ना। आहा, जब भी इधर से गुजरते हैं ना तो कोशिश कीजिएगा कचौड़ी ट्राई करने का, लेकिन देख लीजिएगा ठंडा है या गर्म। ठीक है, जाते हो तो लेके जाता हूँ। अच्छा, तो आप जल्दी कर लेते हैं।
ट्रेन खाली है, खेलो जहाँ खेलना, यहाँ लटको, इस पे लटको, इस पे सो जाओ, उस पे लटको, पूरी ट्रेन खाली है। हाँ जाओ। जी तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट रतलाम, जिसका स्टेशन कोड है RTM, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल ऑल टाइम। रतलाम जो है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले 188 ट्रेन आकर रुकती थी, अभी 114 ट्रेन आकर रुकती है। हाँ, अगर रतलाम आते हैं तो भैया यहाँ का रतलाम का रतलामी सेब फेमस है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या है? बिरयानी है। बिरयानी, वेज बिरयानी। कैसे है? 30 रुपये प्लेट, एक प्लेट। गरम है? बड़ा पाव एक, बड़ा पाव गरम है ना? चाय पो नाश्ता बोलो। हेलो कर रहे हम, हेलो कर रहे हम। कितना? 15। तो गए तो रतलाम में हमने लिया ये वड़ा पाव, ये मुझे पड़ा 15 का, और भैया ये दिख रहा है वेज बिरयानी 30 का। अरे चोट लगेगा। आवाज आई ना? आवाज आई। देखा? क्या चीज़? बॉडी। वाह, कितना बाइसेप बन गया तुम्हारा। फ्लॉक, बड़ी फ्लॉक। कौन से हीरो की तरह है बॉडी? मैंने खुद ही बनाई है। खुद बनाई? कैसे? पहले वो था ना, वो बड़ा सा उठाने वाला डंबल। हाँ, वो बड़ा सा। अच्छा, मैंने अच्छा। वो उठाया तो वो सही बनी। ओ, और फिर ऐसे किया ना, देखो ऐसे, फिर ऐसे में वो उठ बनती है। कैसे? ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ना। अच्छा, हम भी ट्राई करेंगे। हम नहीं ट्राई किए। हाँ, रोज करना। रोज करना। हाँ, रोज करेंगे। तुम रोज करते हो? हाँ। चलो तब तो बढ़िया। तब तो इससे ही मेरी बॉडी बनती है। ठीक है, मैं भी रोज करूँगा। रोज और जब मैं बॉडी बनाता हूँ तो पानी भी नहीं पीता। थकता भी नहीं। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं बड़ोदरा स्टेशन, इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। बड़ोदरा जो है ये पड़ता है गुजरात में, और अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो ये इंडिया की 9th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोविड से पहले यहाँ 363 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल 209 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है। अंकल वड़ा पाव दीजिएगा। दो वड़ा पाव। तो भाई यहाँ से हमने लिया है ये वड़ा पाव 20 का, दो खाते हैं। को तो लगा भाई तू छोड़ेगा वाली, कितना पैक करवा लिया रे। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड आया है, बचपन का दोस्त, साथ में पढ़ते थे, मेरे ही मोहल्ला का है, नीतीश बाबू जी। कैसा है भाई? बढ़िया भाई। यहाँ देखिए क्या लाया खाने के लिए, अंदर जाएंगे तो देखेंगे इसमें क्या है। गरम गरम बहुत चीज़ ले आया खाने के लिए, वैसे भी खाना तो चाहिए था, पैक खाना है। चलो ठीक है, देखते हैं अंदर क्या है। अरे हट जाना भाई, मक्खी हट जाना। और तो बता। बताओ एकदम बढ़िया है भैया। भैया भैया भैया, अमूल कुल दीजिएगा 3। कौन सा केसर? इलायची। इलायची दीजिए। बोला
कितना हुआ? 75 रुपये। 75, ठीक है। सो गाइस, तो अपने दोस्त के साथ ये भी आया, क्या नाम है? विपिन। कहाँ से आप? बिहार से। ये भी बिहार से ही है, सब बिहारी बाबू हैं यहाँ पे। तो बस कुछ देर बचा है, ट्रेन कुछ देर में निकलेगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिपार्चर। तब तक भाई लोग से मुलाकात हो रहा है, मिलते हैं फिर आपसे बात में। तो भाई मिलते हैं फिर से, ठीक है, बाय। कौन सा ही बड़ौदा यार्ड? सेंटर वाली गाड़ी सेंटर बड़ौदा लाइन नंबर 4 में पहुंचे। कौन सा ही बड़ौदा यार्ड? सेंटर वाली गाड़ी सेंटर बड़ौदा लाइन नंबर 4 में पहुंचे। गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। देखा, देखा ना, उठा लिया ना। हाँ तो बॉडी बना हुआ तो उठाओगे ना। अभी देखो, ओए चोट लगेगा। नहीं लगा, नहीं लगा। तो तीन बारी मारा तो फिर भी नहीं लगा। चोट लगेगा, नहीं लगता। देखो तब भी नहीं हुआ। अच्छा, सुपरमैन। हाँ सही सही पहचाना, मैं सुपरमैन ही हूँ। हमें लगा रोटी होगा लेकिन है आलू पराठा, देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, खा के देखते हैं। और ये काबुली चना का सब्जी, दाल मखनी, ये चटनी लग रहा है, और यहाँ प्याज वगैरह अचार वगैरह डाला हुआ है। सेम वही चीज़ इस थाली में भी है इसमें। तो चलिए खाते हैं। 3 hours later। हाँ जी, तभी बज रहे हैं सुबह के 1, और 1 नींद हमने मार लिया है। 1 घंटा में हम लोग पहुँचेंगे, मतलब 2:10 में पुणे। और ट्रेन जो है ना अभी फ़िलहाल टाइम से चल रही है, और देखिए आप कोच में कोई नहीं है, पूरा खाली है। मुश्किल से ना मेरे कोच में अभी 10 पैसेंजर होंगे, मतलब बोले ना बहुत सारे पैसेंजरों का आज ट्रेन छूट गया, ट्रेन का टाइम चेंज होने के कारण। इसलिए कहते हैं ना कि जर्नी करने से पहले 12 घंटा पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ट्रेन का टाइम तो कहीं चेंज नहीं हुआ। मैसेज चेक कीजिएगा, मोबाइल पे कोई मैसेज तो नहीं आया, नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पुणे जंक्शन, और ट्रेन हम लोग को यहाँ पहुँचाई है भाई 4 मिनट डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर तो था नहीं, आराम से सो के आए हैं। वॉशरूम का कंडीशन हो, कोच का कंडीशन हो, बिल्कुल सही था। बस दिक्कत यही था ना कि ट्रेन का टाइम चेंज हो गया, इसके कारण बहुत सारे पैसेंजर का ट्रेन छूटा, और ये टाइम जो है ना सही नहीं है मेरे समझ से। पहले जो टाइम था ना 11 बजे सुबह में, वो टाइम बेस्ट था इस ट्रेन के लिए। वैसे भी दिल्ली से पुणे के लिए इस ट्रेन को बेस्ट माना जाता है, लेकिन ट्रेन का टाइम चेंज होने के कारण हमें नहीं लगता है पैसेंजर इसे प्रेफर करेंगे।
जी तो ही फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम में। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ वॉशरूम में, मैं आपको पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये रहा वॉशरूम, और ये रहा सामने मिरर, ये रूम। वार्डरोब इधर से व्यू तो अभी दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सुबह का 4 बज रहा है। सो आज की जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और लगातार इसी तरह मुस्कुराते रहे और अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे।